हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपको मेरे किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर मसाला। आज मैं पनीर मसाला ढाबा स्टाइल में बनाऊंगी, तो इसे आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरा आज का रेसिपी पसंद आए तो नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चले शुरू करते हैं। पनीर मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पनीर लिया है, देखिए इसे मैंने क्यूब शेप में काट लिया है। फिर मैंने लिया है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, साबुत जीरा, हल्दी, नमक, सरसों का तेल, लाल मिर्च पाउडर, तेज पत्ता और साइड में मैंने यहाँ कटा हुआ अदरक और लहसुन भी लिया है, गरम मसाला पाउडर, ये कटे हुए टमाटर, ये कटे हुए प्याज, फिर ये कटे हुए कैप्सिकम और प्याज, इसे मैंने क्यूब शेप में काट लिया है, फिर ये सूखे और हरे मिर्च। तो चलिए अगले प्रोसेस में, पनीर में यहाँ मैं डालूंगी नमक, फिर हम डालेंगे हल्दी, फिर हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर। अब हम सारे मसाले को पनीर के साथ अच्छे से मिला देंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे मिलाइए, यह अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस में। मैंने यहाँ एक कढ़ाई को गरम किया है, कढ़ाई गरम हो चुका है। अब हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, देखिए ये गरम हो चुका है। अब हम डालेंगे ये कटे हुए प्याज, फिर डालेंगे ये कटे हुए टमाटर, फिर ये कटे हुए अदरक, लहसुन और हरा मिर्च। अब इसे अच्छे से मिला दे। हम इसे 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे लो फ्लेम में। देखिए ये टमाटर और प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। इसे एक बार अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे पेस्ट करने के लिए निकाल लेंगे। बिल्कुल ऐसे निकालिए, ध्यान से निकालिए। देखिए मैंने यहाँ निकाल लिया है, इसे हम ठंडा होने देंगे फिर पेस्ट कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। मैंने यहाँ एक फिर से कढ़ाई को गरम किया है, कढ़ाई गरम हो चुका है, तेल भी मैंने डाल दिया है। अब ये जो पनीर हमने लिया था इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पनीर को हम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे, इससे पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए ये पनीर ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। इसे अच्छे से एक बार मिलाने के बाद हम पनीर को निकाल लेंगे। ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। पनीर को निकालने के बाद हम इसी सेम तेल में कटे हुए कैप्सिकम और प्याज को फ्राई कर लेंगे। इसे अच्छे से मिला दे, इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम डालेंगे नमक, फिर हल्दी और अच्छे से मीडियम फ्लेम में रखकर थोड़ा सा मिला देंगे। और मिलाने के बाद ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए रख देंगे। 2 मिनट हो चुका है, देखिए ये प्याज और कैप्सिकम सॉफ्ट हो चुका है। इसे एक बार अच्छे से मिलाने के बाद हम निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा और तेल डाल देंगे, तेल गरम हो चुका है। अब हम डालेंगे तेज पत्ता, सूखे लाल मिर्च और थोड़ा सा साबुत जीरा। इसे मिला देंगे थोड़ा सा। मिलाने के बाद अब हम डालेंगे ये पेस्ट किया हुआ टमाटर जो हमने वीडियो के स्टार्ट होते ही दिखाया था आपको। इसे मिला दे अच्छे से और 3 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर रख दे ताकि टमाटर का कच्चा टेस्ट चला जाए। 3 मिनट हो चुका है,
देखे, अब हम इसे एक बार अच्छे से मिला देंगे। इसे मिलाने के बाद अब हम डालेंगे सारा मसाला। मसाले में मैंने यहाँ डाला है जीरा पाउडर, फिर धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। यहाँ मैंने डाल दिया है सारा मसाला। सारे मसाले को अच्छे से मिला दिए एक बार। देखिए सारा मसाला मिक्स हो चुका है। अब हम डालेंगे नमक। ध्यान रखें हमने कैप्सिकम और प्याज फ्राई करते टाइम भी नमक डाला था। इसे हम एक बार मिला देंगे और मिलाकर 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में रख देंगे। इसे एक बार फिर से मिलाने के बाद अब हम डालेंगे फ्राइड किया हुआ कैप्सिकम और प्याज। देखिए मैंने यहाँ डाल दिया है। इसे थोड़ा मिलाने के बाद हम पानी डाल देंगे। एक बार फिर से अच्छे से मिला दे। देखिए इसका कलर काफी अच्छा आया है। अब इसमें थोड़ा सा उबाल आने के बाद हम डालेंगे फ्राइड किया हुआ पनीर। पनीर को डालने के बाद इसे अच्छे से एक बार मिला देंगे। ध्यान से मिलाइए ताकि पनीर का पीसेस टूट ना जाए। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम में रख देंगे ताकि पनीर का टेस्ट मसाला में आ जाए। 5 मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन हटा देंगे। देखिए काफी अच्छा दिख रहा है। अब हम इसे एक बार लाइटली मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे गरम मसाला। इसे फिर से एक बार मिला दे। देखे मैंने यहाँ मिला दिया है और मिलाने के बाद ढक्कन लगाकर गैस स्टोव बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए रख देंगे। 2 मिनट हो चुका है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। देखे मैंने सर्व कर दिया है और ये पनीर मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है खाने के लिए। आप इसे प्लेन राइस, पुलाव, पराठा, रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का रेसिपी पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।